बैक टू सुनाइशाज वर्ल्ड। सभी को मेरा राम राम। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ एक और नया ब्लॉग लेके, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स लेके, जो मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है यूथ के साथ शेयर करना, लोगों के साथ शेयर करना, चाहे वो कैसे भी हो। जो मैं बात कर रही हूँ, ऑलरेडी एक और मैंने एक बार वीडियो बनाया था, ब्लॉग बनाया था इसके ऊपर, बॉडी शेमिंग है ना। रिसेंटली यही क्या हुआ कि मेरे मैंटोर हैं जिनसे एक बहुत बहुत फेमस डाइटिशियन हैं, उनसे मैंने डाइट लिया भी हुआ था आयुष के बाद पहले, और बहुत वेट लॉस किया है, काफ़ी नोन है। मैं नेम नहीं लूँगी क्योंकि मैंने परमिशन भी नहीं लिया उनसे। तो उनका रिसेंटली मेरे पास कॉल आया, वो उन्होंने मेरे ब्लॉग्स बाई चांस उनके आँखों के आगे आए और उन्होंने मेरे ब्लॉग्स को देखा एंड उन्होंने मेरे को कॉल किया कि शशि, कैन आई कॉल यू? मैसेज आया। मैं कहा यस मैम, फॉर श्योर, क्योंकि ऑफकोर्स आपके मेंटोर को तो एज अ मेंटोर ही मैं ट्रीट करती हूँ, बेशक एज वेज जो भी हो। तो उनका कॉल आया, कहते शशि मैंने आपका ब्लॉग देखा एंड आई एम रियली रियली वेरी मच इंस्पायर्ड कि जितनी पॉजिटिविटी आप दे रहे हो, मोटिवेट लोगों को कर रहे हो, बींग ए न्यूट्रिशनिस्ट। उन्होंने बताया कि कितनी सारे जो उनके पेशेंट्स हैं आज के टाइम में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं ड्यू टू बॉडी शेमिंग, मोटापा, स्पेशली मोटापा। बॉडी शेमिंग होता है, पतला तो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि जो नंबर है मोटापे का बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स कलर और वो सब चीज़ें भी हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि बीइंग ऑन प्लस साइज इस टाइम पे आज जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ प्लस साइज, जो चबी गर्ल्स होती है, मोटी है ना, बट हमारे लिए हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, जैसा मैं हमेशा बोलती आई हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, बताया कि शशि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बहुत सारा कॉमन हो गया है कि बॉडी शेमिंग की वजह से लोग जो डिप्रेशन में चले गए हैं वो कुछ वियर नहीं करते हैं, उन्हें शर्म आ जाती है। तो उसी को लेके मैं आज आप लोग के सामने आई हूँ, उसी से मुझे लगा कि जो मैंने मुझे ये चीज़ बोली, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड रियली उन्होंने ना मेरा दिन बना दिया। पता है मैं ना थोड़ा सा डिमोटिवेट बंदा हो जाता है कि नहीं यार ब्लॉग्स व्यूज़ तो आ नहीं रहे, और फिर बर्डन बहुत है, ओवर बर्डन है। इस टाइम पे नाइशा स्कूल गई है इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ, 12 बजे वो आ जाएगी, और आज मेरी क्लास नहीं थी इसीलिए, तो बहुत हैक्टिक हो गया। और उसके बीच में भी लेकिन मुझे लगता है नहीं, ब्लॉग्स तो बनाने चाहिए मेरी जनता के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए, जो मुझे देखती है, जो मुझे पसंद करती है। और ये देखिए कई अननोन मैसेज मेरे पास इस तरीके से आते हैं, जैसे मैम का आया, वैसे बहुत सारे लोगों के औरों के भी आते हैं कि जो मेरे से इंस्पायर्ड हैं बींग इन स्मॉल यूट्यूबर। अभी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, और देखिए ये तो वायरल वाली बात है, ये सब किस्मत की खेल है, क्योंकि कोई मैं यहाँ पे फेक ऑडियंस या कोई प्रमोशन किसी के थ्रू नहीं आई हूँ, जितना भी है दैट इज़ ऑर्गेनिकली विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, और जो नॉर्मली मुझे पसंद कर रहे हैं ब्लॉग देख के, वैसे कोई मैंने फेक प्रमोशन साइट्स ये सब कुछ यूज़ नहीं किया है, ना ही मुझे इनके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया है। यूट्यूब पे आते रहते हैं लोग, वीडियोज़ डाल रहे होते हैं, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ अपने पैशन के लिए, ना कि इसीलिए कि हाँ नहीं नहीं मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स चाहिए या मुझे जल्दी जल्दी पैसे बनाने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो बॉडी शेमिंग होती है उसको आप कैसे डील करें। ठीक है, क्योंकि मैं उस फेस में हूँ, निकली भी नहीं हूँ उस स्पेस में, तो आप कैसे करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं चाहूँगी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर वर्क करेगी आप लोग भी। डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाना, सुसाइड्स या पिल्स, मैं स्लीपिंग पिल्स कुछ नहीं खाना है। मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ आपको करना चाहिए, आप ट्राई कीजिएगा। सबसे पहली बात है, जो सबसे पहली चीज़ होती है, अपने पे पर्सनल मत लो कोई भी चीज़। पब्लिक आपको कुछ भी बोल रही है, डोंट टेक इट पर्सनली। क्या मुझे लोग नहीं बोलते? सामने बैठ के ग्रुप में होंगे तो भी बोल देंगे इस मोटी को देखो, है ना, चाहे पर्सनली जो नॉर्मल बोलेंगे, लेकिन देख वो मोटी आ रही है, देख वो मोटी, फ्रेंड्स भी बोल देते हैं, मत लो पर्सनली। ठीक है, ऑफकोर्स उनको जवाब दीजिए, है ना, पर फर्स्ट टिप जो बोल रही हूँ, सेकेंड टिप में वो भी बात करेंगे, तो पर्सनली मत लो। जो आपको बोल रहा है ना ऐसा, इसका मतलब वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। जिसने भी आपको कमेंट किया ना मोटी, या तू ऐसी है, और तू वेट लॉस क्यों नहीं करती है, तू इतनी वो हो रही है, हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं, ठीक है, और नहीं भी कर पा रहे हैं उनके लिए भी कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि नहीं, कईयों से नहीं होता, कंसिस्टेंट नहीं होते, कोई भी रीज़न है उनकी, आपको नहीं पता, सामने वाला जो कमेंट कर रहा है ना उसको नहीं पता होता कि तुम जिसको कमेंट कर रहे हो वो क्या उस चीज़ को एप्लीकेबल कर रहा है, उसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है,
तुम्हें कुछ नहीं पता तो हु आर यू, कौन हो तुम उससे बोलने वाले, कैसे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो इस चीज को। तो इसीलिए ऐसे लोग, और ये वही लोग होते हैं दोस्त हु आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ, जो खुद अपनी लाइफ में खुश नहीं है तो दूसरे को भी खुश नहीं देख सकते हैं। जो बंदा खुश होगा ना अपनी लाइफ में, उसके पास ये फालतू चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होगा कि वो आपको कमेंट करे, वो हमेशा हैप्पी ही रहेगा और आपको भी हैप्पी ही करेगा। तो इसीलिए जो ऐसे लोग बोलते हैं ना, पर्सनली दिल पे मत लो, इधर से सुनो इधर से निकालो, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आप लोग, ठीक है। सेकेंडली ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। जो मैंने अभी कहा आपका सर्कल है और वो बोलता है अरे मोटी, और ये टोक दो कि यार मुझे मोटी पसंद नहीं है, आप प्लीज मेरा नाम लीजिए शशि, ठीक है। अगर आप नहीं टोकोगे वो बंदे को आदत पड़ जाएगी, और ये होता भी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी आपकी फीलिंग्स हैं क्लियर बोलिए सामने वाले को, चाहे वो आपकी फैमिली हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, क्लियरली बोलिए मुझे ये नहीं पसंद, मेरे से आप ऐसी बातें नहीं करोगे, बस। तो वो नहीं करेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, यार वो उसको बुरा लग जाएगा, मेरी फ्रेंड है मैंने ऐसा बोल दिया तो मैं आपको बुरा लगेगा। नहीं, आपकी बॉडी है, आपको पता है आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, आप क्यों शेप में हो, कोई और आपको जज नहीं कर सकता है, ना ही किसी की राइट है, समझ आई, किसी की राइट भी नहीं है। तो इसीलिए जो भी है ना आपकी फीलिंग्स होती हैं, ले आओ बाहर लेके आओ, बी आउटस्पोकन, आउटस्पोकन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो कुछ टिप्स है, अप्रिशिएट योर बॉडी, अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करो, जैसे हो मस्त हो, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। आप मेरे को देखेंगे, लोग मुझे इस चीज़ के लिए टचवुड, लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कि बीइंग ऑन हैवियर साइड आप सब कुछ पहनते हो, लाइफ इंजॉय करते हो, हंसते हो, ये यही रीज़न है। टेंशन मेरी लाइफ में भी बहुत है, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर, आप देख रहे होंगे मैं यूट्यूब पे भी इतनी, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत प्रेशर है लाइफ में ना, बहुत चीज़ों का, और हर चीज़ आपको नहीं बताई जाती लाइफ में, क्या अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, क्या नहीं है। कई बार नहीं मन करता ब्लॉगिंग करने का, नहीं मन करता कई बार ना, तो नहीं करते, क्योंकि भैया मैं कोई मेरा बॉस तो नहीं है जो बोलेगा डाल ब्लॉग डाल आज ही डाल, नहीं ना, मेरी मर्जी, जब मेरा मन होगा मैं डालूंगी, नहीं होगा नहीं डालूंगी, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कीजिए, कंप्लेन मत करो हमेशा, यार ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, मैं वो कपड़े नहीं पहन पा रही। अरे हर आज के टाइम पे 21st सेंचुरी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, कोई भी साइज हो सब कुछ अवेलेबल है, या फिर कस्टमाइज करवाइए। तो पहले सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार कीजिए, अगर खुद से प्यार करोगे ना दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ऑफकोर्स इनका मतलब ये नहीं है इन सब चीज़ों का कि आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे चेंज करने के लिए, वो तो हम कर ही रहे हैं। ये हो रहा है तब आप लोगों की बातों से ना परेशान हो जाते हैं कि यार उसने बोल दिया, और हम दिल पे लेके बैठ जाते हैं, और उससे कई लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, कई लोग फ्रेंड्स बनाना बंद कर देते हैं, कई लोग कपड़े पहनना बंद कर देते हैं। कपड़े का मतलब कि वेस्टर्न वियर, जिसमें उनको टोक दिया वो अगली बार नहीं पहनेंगे, मुझे टोको मैं डबल पहनूंगी, तुम कहोगे साड़ी में पेट दिखता है मैं दो वीडियो और बनाऊंगी साड़ी के ऊपर, तुम कहोगे शॉर्ट्स में मोटी लगती है मैं शॉर्ट्स में दो वीडियो और बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, साड़ी पहनना मुझे पसंद है, वेस्टर्न पहनना मुझे पसंद है, सूट पहनना मुझे, जो मेरी मर्जी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दुनिया को कंफर्टेबल बनाओ उस लुक में अपने आप को देखने के लिए। तो एंड यस ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है इन सारे बैरियर्स को तोड़ना, ये जंजीरों को तोड़ दो, है ना, इसे तोड़ के एंड बी फ्री एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड, है ना। हमें क्या करना है, हमें फ्लाई करना है, अपनी बॉडी पे शेम नहीं होना है, ना लोगों से शेम करवाना है, ठीक है। ये वही लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, जो खुद खुश नहीं है, है ना, अपने आप को नहीं देखेंगे, अपनी लाइफ को नहीं देखेंगे, दूसरे की लाइफ में पुक 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 करने की आदत होती है। तो यार जैसे हो मस्त रहो, एंड यस टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई, देखो हर कोई करता है, आपको नहीं पता कि मेरी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मेरे को भी इंस्टाग्राम पे और इस पे कमेंट्स आते हैं कि वेट पे ध्यान दो, भाई मेरे को पता है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, है ना। कोई भी मोटा रहना खुद नहीं चाहेगा, है ना, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, तो सब ट्राई करते हैं अपने लेवल पे, कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। यू आर नो वन टू जज अस, टू टेल अस तुम कैसी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। आजकल सबको पता है, सबके पास इतनी एजुकेशन है कि मोटे होने के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं, तो उन्हें पता है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो
लोगों की बातों पे बिल्कुल मत आइए, जो मन करता है वो करिए और ज़िंदगी को जी लो यार। एक ज़िंदगी है, सिर्फ एक ज़िंदगी है, जी लो। एंड यस, एक फ्रेंड ज़रूर बना के रखिए, फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो लगता है आपकी मेड है, मेड जो भी, एक फ्रेंड्स बना के रखिए जिससे आप सारी दिल की बातें शेयर कर पाए। एंड ऑफकोर्स आई वुड लव अगर आप मेरे को फ्रेंड बनाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों से प्यार करूंगी। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर तो मैं सबको नहीं दे सकती हूँ, वहाँ पे आप मुझे डीएम कीजिए, आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड्स, ठीक है। मैं बहुत फ्रेंड्स बनाना मुझे बहुत पसंद है, यस। लेकिन ये बॉयज़ नहीं, यहाँ बात चले गर्ल्स की, बॉयज़ भी, लेकिन बॉयज़ एक लिमिट होती है ना, बॉयज़ कहीं और ही चले जाते हैं। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली ये ब्लॉग था, गर्ल्स को मैं चाहूँगी कि Enjoy योर लाइफ गर्ल्स, वुमेन्स, बच्चे जो भी हैं, बेटा जो भी मोटे हो, Enjoy। हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही अच्छे हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि हमें पता है हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने पतले होने के लिए भी। नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिप्रेशन में बैठ जाऊँ ऐसे और रोती रहूँ। नो, स्टैंड, खड़े रहो अपनी चीज़ों के लिए, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्टैंड अप फॉर योर बॉडी, एंड बस कर दो। आई होप मैं थोड़ा बहुत भी इंस्पायर कर पाई हूँ। अगर थोड़ा भी इंस्पायर कर पाई हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और इस टाइप की ब्लॉग्स और देखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर और बनाऊँगी और शेयर करूँगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने आप से प्यार कीजिए, जैसे कि मैं शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर को बहुत फॉलो करती हूँ, मेरे फेवरेट है दोनों, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉगर्स। वो कहते हैं ना, खुश रहिए प्यार बांटिए, तो वही कीजिए, खुश रहिए और प्यार बांटिए। लेट द पब्लिक। Bye.